अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो है आज जुम्मे का दिन है, तो सबसे पहले सबको जुम्मा मुबारक। और महीना भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है रबी अव्वल का। तो ये है कि आज ऑफिस से ब्रेक टाइम में घर आए खाना खाने के लिए और जुम्मा पढ़ने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह आपको आपसे शेयर करते बच्चे आज क्या पहना हुआ है, आज क्या कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये मिले आप शाहवीर से। शाहवीर, क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? जुम्मा पढ़ने चले हैं? क्या पहना हुआ है? वाह जी वाह, मेरा बेबी तो क्यूट लग रहा है। हैदरी हैदरी, क्या खा रहे हो यार? क्या पहना हुआ है? उठो दिखाओ। चूची पहना हुआ है यार? अच्छा, शूज पहने हुए हैं। जूती पहनी हुई है? अच्छा अच्छा, कुछ पहने हुए। अच्छा अच्छा, ये पहना हुआ है। वाह जी वाह, इधर तो देखना, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं। बाबा शावीर कह रहे मैंने भी जूता पहना है, मेरा भी जूता देखे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। हैदरी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हैदर, इधर आके खाना खाएं। ये क्या कर रहे हो हैदर? क्या कर रहे हो? रोटी खा रही हूं। रोटी खा रही हूं। रोटी खा रही हूं। भूख लगी है? क्या जी, रोटी है कि नान है? रोटी नहीं, नान है। आपको नान अच्छा लगता है या रोटी? शावीर से भी कहना, शावीर रोटी खा लो। शावीर, मैं उनकी खाई है। चलो शावीर ही दे दो पेन। अच्छी है शाबीर, लड़ो नहीं। ये देखें, ये लड़ भी रहे हैं और भाग भी रहे हैं। क्या हुआ है? क्या शाबीर, क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो व्यूअर्स, ये जो है अपना बाहर का मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, दरमियानी मौसम और फूल खिले हुए बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। धूप तो खैर आज काफ़ी है, लेकिन उसके अलावा धूप के बावजूद भी जो है ना मौसम में खुनकी है थोड़ी, लेकिन ये कि दरमियाना मौसम है, इतनी गर्मी नहीं है। हैदर, क्या कर रहे हो? ये क्या है? ये है? वाह, ये देखो क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। शाबीर, क्या हुआ है? बाबा, थैंक यू थैंक यू। चल दे दे मुझे। चल शाबीर, ऐसे नहीं जिद करो। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि पहले तो जुम्मे का भी लोग चल रहा था कि जुम्मा मुबारक, बच्चे ये कर रहे हैं या बच्चों ने चेंज कर लिया, और अब एकदम से भी लोग चेंज हो गया। और जुम्मे का भी लोग आज मंडे वाले दिन, यानी कि फ्राइडे का भी लोग मंडे को अपलोड हो रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस दिन फ्राइडे को व्लॉग शूट किया था ना, बनाया था आप लोगों के लिए, बस उसको एंड इसलिए नहीं कर सके कि उस दिन शाम को ही ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिन्होंने व्लॉग का स्टार्ट लिया था। तो उन्हें फीवर बहुत तेज़ था, वो ऑफिस गए हुए थे, वहाँ से घर वापस आ गए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद फिर घर आके बस ऐसे ही उनकी टेंशन में रहे। कल टेस्ट वगैरह परसों करवाए हैं, तो उन्होंने बताया है कि आपको डेंगू है।
तो जिस वजह से यानी कि फिर व्लॉग नहीं बना सके, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, बल्कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करें। माशाल्लाह बेहतर होते जा रहे हैं, काफ़ी रिकवर कर रहे हैं, फ्रूट शूट हर चीज़ उनको यानी कि खिला पिला रहे हैं कि जल्दी से रिकवर हो जाए। तो ये है कि आप भी उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि जल्द अज़ जल्द वो ठीक हो, फिर हम दोनों मिलके व्लॉग बनाएं। बल्कि मुझे वही कह रहे थे कि आपने अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने कहा मैं क्या अपलोड करूं, बस टेंशन्स में थे तो इस वजह से नहीं किया। और ये देखें शावीर इस टाइम बेड पे बैठा हुआ है अपनी गाड़ियों की दुकान लगा कर। जी फिनिश, ओके। अस्सलाम वालेकुम करें। अम्मी जी कहाँ हैं? और ये देखें ये हमारा छोटा सा मुस्तफ़ा है, ये लेटा हुआ है खेल रहा है खुद ही। आज मेरे तीनों बच्चों की वैक्सीनेशन भी हुई है, छोटे को भी हुई करवाई है वैक्सीनेशन, और हैदर को भी, शावीर को भी। इसीलिए आज बस हैदर को भी बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था और अभी भी है। दुआ करें कि हैदर का फ़ीवर भी ठीक हो, और छोटा भी माशाल्लाह ठीक है, थोड़ा बहुत इसको फ़ीवर था दोपहर में, और जो शावीर है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, जितना हमें था कि इसको भी होगा, लेकिन वो ज़रा शुक्र है अल्लाह का बेहतर है। बस दोनों को हैदर का फ़ीवर अभी भी है और शावीर ठीक हो गया, वो मुस्तफ़ा माशाल्लाह से ठीक है। अब आप लोग दुआ करें कि हैदर का फ़ीवर भी ठीक हो जाए और रज़ा भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आएंगे। अभी मुझे इजाज़त दें, अपने व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, दुआ में याद रखें। आप लोगों के लिए जल्द मैं एक नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी अच्छा सा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में।